नमस्कार, चंबल प्रभा न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहे बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली खबर मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका चंबल प्रभा .com के राजस्थान समाचार स्पेशल बुलेटिन में। पेश है राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में 74 नए मरीजों के साथ कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 2438, डेथ ऑडिट के निर्देश जारी। जोधपुर के एम्स अस्पताल की रिपोर्ट में एक साथ आए 52 पॉजिटिव मरीज। जोधपुर में मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 465। वहीं प्रशासन की बड़ी चिंता, शहर से गांव तक फैला कोरोना। लोणी गांव के उत्तेसर गांव में पहुंचा संक्रमण। राजसमंद में अब तक 590 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव, 133 सैंपल की रिपोर्ट अभी तक आनी बाकी। वहीं भीलवाड़ा में कोरोना वायरस को लेकर अपडेट, दो और नए पॉजिटिव आए सामने, 37 हुई कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या। दो दिन पूर्व गुलाबपुरा के तेलीवाड़ा इलाके में आया था पॉजिटिव मरीज। पाली में एक साथ 9 कोरोना पॉजिटिव आए सामने, प्रशासन में मचा हड़कंप। राजस्थान में बड़े पॉजिटिव मरीजों के बीच राहत की खबर, प्रदेश में 814 केस अभी तक पॉजिटिव से हुए नेगेटिव। 552 मरीजों को किया जा चुका है अस्पताल से डिस्चार्ज, जबकि शेष का क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने पर भेजे जाएंगे घर। केंद्र सरकार ने प्रवासियों को लाने की दी छूट, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने किया फैसले का स्वागत। सीएम गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों का किया स्वागत, प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए मांगी ट्रेन संचालित करने की अनुमति। वहीं बाड़मेर की बायतू में विवाहिता ने दो बच्चों के साथ टांके में कूद कर की आत्महत्या, हुई मौत। थानाधिकारी की सर्विस, रिवॉल्वर से कमांडो की मौत, पुलिस मुख्यालय ने सौंपी सरकार को रिपोर्ट। राजस्थान में अब तक 2 मई तक जमा करा सकेंगे बिजली के बिल, पहले बिल जमा कराने की तारीख थी 20 अप्रैल। केंद्र की ओर से प्रवासियों को घरों में लौटने की अनुमति मिलने पर बेनीवाल ने सीएम गहलोत से कहा, अब केंद्र को नहीं देना दोष। यह थी राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें चंबल प्रभा .com।